व्यवहार विधु था है इन दुखे बाज लुगाइया का तो प्यार भी झूठा है। इन दुखे बाज लुगाइया का तो प्यार भी झूठा है। व्यवहार भी झूठा है, इन धोखेबाज लुगाइया का तो प्यार भी झूठा है। अब ये जब छोरी डांस करे थी और तुम्हारी तरफ मतलब थोड़ा हाँ मुस्कुरा के देख दिया, तुमने सोचो भाई हो तो सेट है काम है ना। लेकिन इनका रोज का काम है, रोज थारे जी से ही मिले हैं इन्हें। पहली बात मैं बताना चाहूंगा कैसे की नजर भी झूठी देंगी, खबर भी झूठी पूछ के न देख लियो, बतावे उम्र भी झूठी। इनकी नजर भी झूठी देंगी, खबर भी झूठी पूछ के न देख लियो, बतावे उम्र भी झूठी। इस बात में कोई शक नहीं है, इनकी नजर भी झूठी देंगी, खबर भी झूठी पूछ कर देख लियो, बताओ उम्र भी झूठी। वो एक बार रेल में सफर कर रहा, तीन बूढ़ी औरत बैठी सीटियां पे, एक मिनट थोड़ी शांति, तीन बूढ़ी औरत सीटियां पे बैठी और आपस में बात करें एक दूसरी, तो बोली लू कहा तेरी उम्र कितनी है। अब जिसकी उम्र थी कम से कम 60 साल दिखण में, उस तक पूछी नू तेरी उम्र कितनी है। वह पहले तो थोड़ी ही मुस्कुराई और फिर नू बोली मेरी उम्र होगी कोई 25 साल 26वीं में लागगी। महा भी बहुत बढ़िया, एक हरियाणा का था ऊपर बैठा सीट पर, नीचे वे बात करें। फिर इतनी देर में उसने दूसरी तो पूछी नु कहा तेरी उम्र कितनी है, और उसकी उम्र भी कम से कम 65-70 साल है, और उस तक पूछी नु तेरी उम्र कितनी है, और वह लिपस्टिक लापस्टिक कती लागर गचोरी, उस तक पूछी नु तेरी उम्र कितनी। वह बोली मेरी मेरी भी बस तेरे जितनी है न्यू, मान ले मेरी 26 होगी 27वीं में चालगी। अब इतनी देर में वो ताऊ जो हरियाणा का ऊपर बैठा था उस पर डटा नहीं गया, वो ऊपर तय कूद गया उन लुगाइया पे। वो लुगाई सारी नू बोली ना तू कितना आया, तू कहा था आया। वो ताऊ हाथ जोड़ कर नू बोला मैं अभी पैदा होया हूं। ईशा सिस्टम इनका, इनकी नजर भी झूठी देंगी, खबर भी झूठी पूछ के न देख लियो, बतावे उम्र भी झूठी। इनकी नजर भी झूठी देंगी, खबर भी झूठी पूछ के न देख लियो, बतावे उम्र भी झूठी। इनकार भी झूठा दूसरी कली में हमारे हरियाणा में बड़ा ही एक सुपर हिट किस्सा होया पिंगला भरतरी का। कवि ने उसका जिक्र करा कि जो विक्रम था
वो उसकी भाभी ना जाए दोष लगा कर वो मरवा दिया था। दूसरी कली में क्या लिखा कैसे? सच्चा था मजाया भाई उसके झूठी तो मद लाई, तेरी या चरित्र देखो चंदा कला दी स्याही। सच्चा था मजाया भाई तो मद लाई, तेरी या चरित्र देखो चंदा कैसाई लाई। सोच विचार बिझूठा सुनाऊं थोड़ा मीठा मास्टर जी। रागनी की आखिरी कली आपके बीच में सुनाऊं, उससे पहले मेरा छोटी बात याद आ गई। वो एक बार एक भाई का नया नया ब्याह होया, अब ब्याह हो पाछा नीमून का सिस्टम सा होया करे। बहू ने लेके रेल में बैठा का नीमून मनान शिमला जा था। रेल में बैठ कर जा रही, अब रेल में दो सीट होया करे, एक नीचे बैठ कर जान की एक ऊपर लेट कर जान की। नीचे तो पति पत्नी बैठे और ऊपर एक महेश्वर का ताऊ लेट रहा, चश्माला ताऊ टेक ले कुकड़ू बैठा है। तब ईशा चश्मा मन के तो तेरे देखा है कि कुमारा के खच्चर गया था। एक बैठे जा रहे दो सीट, एक नीचे तो पति पत्नी बैठे, ऊपर ताऊ लेट रहे ईश्वर का। अब थोड़ी देर में वहां जो पत्नी थी अपने पति तब बोली, नुक सुनो हो जी। बोले हाँ सुनाओ। नुक मेरे तो ना आज सिर में दर्द है। वो उसका पति बोले अच्छा सिर में दर्द है, मेरी तरफ कर। पकड़ के उसका सिर नुक दिया। वह बोली हाँ अब तो आराम सा है। थोड़ी देर में बोली जी मेरे तो गले में भी दर्द है। बोले अच्छा गला कर। उसने पकड़ के गले के कर लिया। बोली हाँ अब तो आराम सा है। अब ताऊ ऊपर बैठे वो सोचे इसकी पे गई कोई नाड़िया वैद से, बहुत देर होगी करते करते। थोड़ी देर में वो और आई, नुक जी मेरे तो छाती में भी दर्द है। वो बोले कर, छाती का भी कर दिया। अब ताऊ ऊपर डटा नहीं गया, ऊपर तय कूद गया खोल का पजामा। नु भाई बहुआ सिर का भी जुगाड़ ले रहा है। की कोन्या जाची धोखे में फंस के लोगो बेल कतर दी काची। पिंगला की मानी साची विक्रम की कोन्या जाची धोखे में फंस के देखो बेल कतर दी काची। सारे बिझूठा तो प्यार बिझूठा है।